पिछली वीडियोस में बजट होता क्या है हमने डिटेल में डिस्कस किया और हमने यह भी समझा कि सरकार जब अपना बजट बनाने बैठती है तो किन गोल्स को किन ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखती है मैंने यह भी कहा था दैट दोज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आज की वीडियो में अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बजट होता क्या है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है राइट वेलकम एवरी आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेज एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्थ हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर टेन आई थिंक गवर्नमेंट बजट एंड गवर्नमेंट बजट के आज इस वीडियो में करेंगे कॉम्पोनेंट्स यानी बजट में क्या क्या होता है ठीक है तो शुरुआत करते हैं बजट के दो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे कि हर बजट के होते हैं रिसीट्स या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी एक तरफ ब्यौरा है आपके रेवेन्यू का पैसा कहां से आने वाला है और दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन है एक्सपेंडिचर की खर्चा आप कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले मोटे मोटे तौर पे हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों को दो दो चीजों में डिवाइड करते हैं रिसीट इज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स दो टाइप की रिसीट्स होती हैं मतलब दो सोर्सेज है जहां से पैसा आता है एक को कहते हैं रेवेन्यू और एक को कहते हैं कैपिटल इन दोनों के टोटल को कहते हैं बजटरी रिसीट्स या सिर्फ रिसीट रिसीट का मतलब पैसा आ रहा है बजटरी रिसीट मतलब बजट में जो हम रिसीट लिख रहे हैं वो रेवेन्यू भी होती है वो कैपिटल भी होती है इसीलिए उनका टोटल इज बजटरी रिसीट ठीक है तो बजटरी रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट क्लियर सिमिलरली एक्सपेंडिचर खर्चे को भी हम डिवाइड करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर चलिए एक्जैक्टली क्या है हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बट टोटल एक्सपेंडिचर बजटरी एक्सपेंडिचर क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर तो दो टर्म्स हैं बजटरी रिसीट इज रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट या जैसे हम टोटल रिसीट का भी यही फॉर्मूला है एंड बजटरी एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर का भी यही फॉर्मूला है क्लियर राइट ग्रेट अब समझते हैं रेवेन्यू रिसीट है क्या रेवेन्यू आज पहले रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट को ढंग से करेंगे बिकॉज पहले हम इनके ट्रीटमेंट क्वेश्चंस करके इनको पक्का करेंगे देन वील मूव टू एक्सपेंडिचर और फिर चारों को इन टोटालिटी करेंगे ओके okay? तो चलो रेवेन्यू रिसीट क्या है तुम देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है एंड आई नीड यू गाइज टू ऑल्सो लुक एट दिस टेबल और इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा देखो मैंने चार हेडिंग्स बनाई हैं ध्यान से देखो रिड्यूस एसेट्स वो ट्रांजेक्शन जो एसेट कम करे एसेट तुम्हारा या मेरा पर्सनल नहीं देश का देश का एसेट कुड भी देश की कंपनियां देश की सड़कें माइंस वट अगर कोई ट्रांजेक्शन तो मैंने पहली हेडिंग दी है रिड्यूस एसेट रिड्यूस करती है एसेट और मैंने एरो का साइन दिया है मतलब कम हो रहा है दूसरा क्रिएट्स लाइबिलिटी सरकार के लिए देश के लिए हम तुम के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ओवरऑल तो क्रिएट्स लाइबिलिटी प्लस लिखा है फिर मैंने दो ट्रांजेक्शन इसकी ठीक उल्टी लिखी है अगर तुम ध्यान दो वहां लिखा था रिड्यूस एसेट्स और यहां लिख दिया क्रिएट्स एसेट्स क्या ट्रांजेक्शन एसेट कम कर रही है देश का या एसेट बढ़ा रही है क्रिएट्स एसेट और क्या ट्रांजेक्शन देश के लिए लाइबिलिटी बना रही है या कम कर रही है रिड्यूसेस लाइबिलिटी ठीक है अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या है अगर तुम चेक करो रेवेन्यू रिसीट में चारों पर काटा है ना तो एसेट बनाती है ना कम करती है ना तो लाइबिलिटी बनाती है ना कम करती है तो रेवेन्यू रिसीट क्या है रेवेन्यू रिसीट इज दैट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच नॉट इम्पैक्ट द एसेट और द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री रेवेन्यू रिसीट वो है जो ना तो सरकार के एसेट्स पे असर डालती है ना लाइबिलिटी पे असर डालने का क्या मतलब है कि बढ़ाना कम करना ना तो लाइबिलिटी बन रही है ना घट रही है ना एसेट बन रहा है ना घट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो रेवेन्यू रिसीट है ठीक है अब रेवेन्यू रिसीट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टैक्स tax, टैक्सेशन अब अपना दिमाग लगा के सोचो कि जब तुम तुम तो नहीं खैर तुम्हारे पेरेंट्स टैक्स भरते हैं और पीपल लाइक अस पे टैक्स तो क्या मैं जैसे ही टैक्स देती हूँ वैसे ही उसके बदले में सरकार मेरे को एक चिट लिख के दे देती है कि तुम तुमनहारा पैसा ना हम सड़क बनाने में लगा रहे हैं ऐसा होता है क्या अगर पता नहीं है तो चेक कर लो नहीं होता बिल्कुल नहीं होता आप टैक्स भरते हैं सरकार की एक आ जाती है कि थैंक यू आपने टैक्स भरा फिर वो टैक्स का पैसा हमें अपनी नॉलेज से पता है देश चलाने में काम आता है लेकिन हमारे टैक्स देने से क्या सरकार का कोई एसेट डायरेक्टली बन रहा है उसी समय नहीं क्या कोई लाइबिलिटी कम ज्यादा हो रही है नहीं हमें नहीं पता कि जो मैंने टैक्स आज दिया वो कब किस समय सरकार यूज करेगी और क्या बनाने पे यूज करेगी वी डोंट नो दैट इज व्हाई वी से रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं ना तो वो एसेट स्टेटस को इंपैक्ट करती हैं ना बढ़ाती है ना घटाती हैं ना ही लाइबिलिटी स्टेटस को बढ़ाती घटाती है कुछ नहीं करती रेवेन्यू रिसीट आमतौर से रेवेन्यू रिसीट इज यूज टू रन अ कंट्री जैसे अपना घर चलाने का खर्चा होता है ना वैसे ही देश चलाने का जो खर्चा है वो रेवेन्यू रिसीट से होता है तो टैक्सेशन हम मैंने बताया है कहाँ लगाते हैं सड़कें बनाने में लग सकता है एजुकेशन पे लग सकता है हेल्थ डिफेंस लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग सब कुछ चलाना है जुडिशरी चलानी है सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉइज को चलाना है तो वो सारा जो पैसा है देश को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करने में रन करने में लगाया जाता है क्लियर है तो रेवेन्यू रिसीट क्या है वन विच नॉट इम्पैक्ट द एसेट और द लाइबिलिटी गवर्नमेंट टू इट इज यूजली यूज टू रन अ कंट्री देश चलाने के काम आता है क्लियर है वन ओवर हियर कैपिटल कैपिटल रिसीट रिसीट अब क्या है ठीक उल्टा अब ध्यान से देखो अगेन इन चारों कॉलम्स को एसेट कम किया एसेट बढ़ाया या लाइबिलिटी क्रिएट की लाइबिलिटी कम की चारों में से कोई दो ही होता है रेवेन्यू रिसीट सॉरी कैपिटल रिसीट वो है जो या तो और है और वन एट अ टाइम करेगी या तो एसिड कम करती है देखो मैंने टिक मारा हुआ है या फिर लाइबिलिटी क्रिएट करती है टिक उल्टा ट्रू नहीं है कैपिटल रिसीट के, के केस में यानी कैपिटल रिसीट ना तो एसिट क्रिएट करती है और ना ही लाइबिलिटी कम करती है इसीलिए मैंने क्रॉस मारा हुआ है देखो बच्चों इसको याद रखने के लिए ना इनके एग्जाम्पल याद रखना दैट इज़ अ बेटर ट्रिक एग्जाम्पल याद रहेंगे तो एग्जाम्पल से तुम ये याद कर पाओगे वरना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन क्या रिड्यूस होता है क्या क्रिएट होता है समझ नहीं आता तो रेवेन्यू रिसीट तो समझना मुश्किल ही नहीं है क्योंकि वो असर ही नहीं डालता किसी चीज़ पे कम ज्यादा कुछ नहीं करता कैपिटल रिसीट वो है जो लाइबिलिटी क्रिएट भी करती है या फिर एसेट को रिड्यूस करती है तो एसेट कम करेगी या लाइबिलिटी बढ़ाएगी एग्जाम्पल एसेट रिड्यूस करने का देखो रिसीट है पैसा आ रहा है रिमेंबर रिसीट का क्या मतलब है पैसा आ रहा है तो ऐसी क्या चीज करने से सरकार के पास पैसा आएगा जिससे उसका एसेट कम हो जाएगा तो तुम्हें पता है डिस इन्वेस्टमेंट क्या होती है जब सरकार डिस इन्वेस्टमेंट करती है यानी वो अपनी सरकारी कंपनी को बेच रही है तो सरकारी कंपनी मतलब सरकार का एसेट सरकार ने अपना एसेट बेचा उसके बदले में मिले पैसे यानी रिसीट हुई लेकिन इस रिसीट से सरकार का एसेट हुआ कम कैन यू सी तो कैपिटल रिसीट वो जिससे या तो सरकार का एसेट कम हो जाए जैसे कि होता है डिस इन्वेस्टमेंट के केस में ठीक है या फिर लाइबिलिटी क्रिएट हो कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक बोरोइंग की पैसा आ रहा है द मनी इज कमिंग इन सो इट्स ए रिसीट रेवेन्यू है पैसा आ रहा है लेकिन क्या वो पैसा फ्री का है कोई भी लोन कभी फ्री का होता है नहीं ना और तुम तो अकाउंटेंट से भी पढ़ रहे हो तो एनी लोन एनी क्रेडिट इज अ लाइबिलिटी वो जवाब मतलब देना पड़ेगा जी वापस लाइबिलिटी है तो कैपिटल रिसीट इज दैट रिसीट पैसा आ रहा है जिससे या तो सरकार का एसेट कम हो जाता है रिड्यूसेस एसेट्स लाइक डिस इन्वेस्टमेंट में सरकार का एसेट कम होता है और और वन एट अ टाइम दोनों नहीं इकट्ठे होते या फिर सरकार के लिए लाइबिलिटी गवर्नमेंट के लिए या हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है जैसा कि इफ इंडिया बोरोज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक तो वो हमारी लाइबिलिटी है पैसा आ तो रहा है बट इट इज अ लाइबिलिटी क्लियर है तो समझ में आ गया तो चलो रिवाइज करते हैं रेवेन्यू रिसीट इज दैट रिसीट विच ड्यूटली नॉट इफेक्ट द लाइबिलिटी और द एसिड स्टेटस ऑफ द कंट्री लाइबिलिटी बढ़ती घटती नहीं है एसिड बढ़ता घटता नहीं है और रेवेन्यू रिसीट इज जनरली यूज टू रन एडमिनिस्टर अ कंट्री ओके कैपिटल रिसीट वो जो या तो और देर इज अर इन बिटवीन या तो सरकार का एसिड कम कर दे और इट क्रिएट्स लाइबिलिटी ईधर इधर वन ऑफ दोज मतलब या डिसइनवेस्टमेंट हो रही है तो एसिड कम हो रहा है कैपिटल रिसीट है और अगर बोरोइंग uh, हो रही है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है कैपिटल रिसीट है क्लियर है समझ में आ गया ओके okay. अब ट्रीटमेंट क्वेश्चंस आते हैं इस इसपे और उसके रीजन लिखने होते हैं जैसा कि यू गाइज नो कि इफ इकोनॉमिक्स में यू डोंट राइट रीजन फॉर ट्रू एंड फॉल्स यू गेट अ बिग जीरो जीरो मिलता है मैं बाद में, में कई बार बोल चुकी हूं मैं फिर रिपीट कर रही हूं इफ यू आर डूइंग नेशनल इनकम ट्रीटमेंट क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन इफ यू डोंट ट्राई रीजन आपको जीरो मिलता है खाली ट्रू एंड फॉल्स लिखने पे तो इसका रीजन क्या होगा मान लो तुम्हें डिस इन्वेस्टमेंट आती है तुम्हें बताना ये कैपिटल है या रेवेन्यू रिसीट है तो क्या लिखोगे कैपिटल रिसीट बिकॉज इट क्रिएट इट रिड्यूसिस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट खत्म और कुछ नहीं लिखना जो ये फंडे हैं वही इनके रीजन है बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज कैपिटल रिसीट बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट खत्म और कुछ नहीं करना आ वी क्लियर इज द फंडा ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट क्लियर ओके ये क्लियर होना जरूरी है बिकॉज इसका ठीक उल्टा होगा एक्सपेंडिचर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो और राइट अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा टिल देन बबाई टेक केयर